हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम लाडली लक्ष्मी आवास योजना प्लस उज्ज्वला योजना 2.0, जो कि अभी ही चालू हुआ है। तो उसके लिए आवेदन करना है तो कैसे आवेदन करें? तो सबसे पहले आपको गूगल पे PMUY सर्च कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले ये ऊपर मेन साइड है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड पे यहाँ पर होम पेज पे क्लिक कर देना है। तो डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाओगे, आप मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर चल रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो यहाँ पर लिखा है, जो मैसेज आ रहा है, हर घर उज्ज्वला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको होम पेज दिख रहा है, अबाउट PMUY, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी। और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 0.2 कनेक्शन। तो इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका क्राइटेरिया बता रहा है कि क्या क्या इसमें है, और डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट KYC जो आधार से ले लेता है, KYC ले लेता है। तो पूरा जो आपका डाटा है वो पूरा यहाँ पे आधार बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा क्राइटेरिया पढ़ने के बाद में, जब भी आपके उसके अंदर आते हो, तो यहाँ से आपको यहाँ नीचे दिख रहा है एक यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन खुलने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में तीन गैस कनेक्शन बता रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन गैस, भारत गैस और HP गैस। तो यहाँ पर आपका जो भी गैस कनेक्शन आपका है और उसके लिए अपन आवेदन करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करें। तो हम बात कर रहे हैं HP गैस की, तो HP गैस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेन पेज पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पे आपको मेन पेज पे आने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रेगुलेटर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर, अगर आप उज्ज्वला योजना के उसमें बेनिफिशरीज में लेना चाहते हैं तो आप इस उज्ज्वला योजना पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेयर, यहाँ पे हमने सब पढ़ लिया वो, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं और लोकेशन वाइज भी। तो हम लोकेशन वाइज सर्च करेंगे, यहाँ पर स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद में आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो आ जाएगा। तो हम जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आपके नज़दीक है, आपका कनेक्शन है, वो इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए ये पूरा जानकारी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर KYC के माध्यम से आपकी पूरी जानकारी ले लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका कनेक्शन का रहेगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है, जो बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP आ जाएगा, या OTP डाल के यहाँ पर कैप्चर डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल जो आधार के अनुसार पूरी डिटेल ले लेगा। उसके बाद में आपका राशन नंबर, जो आपका जो भी स्टेट है वो आपका ये स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे आपका राशन कब जारी हुआ था उसका राशन नंबर तारीख डालना है और यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पर चेक डुप्लीसी पे क्लिक कर देना तो आपका जो भी राशन कार्ड है वो आ जाएगा। और आपका नेक्स्ट में कनेक्शन एड्रेस, अगर यहाँ पे आपका सेम रखना चाहते हो तो यहाँ पे आधार के उस पर पूरा एड्रेस ले लेगा। तो यहाँ पे हम रूरल या अर्बन, तो अगर आप शहरी है तो अर्बन पे करेंगे, ग्रामीण है तो रूरल पे क्लिक कर देंगे। रूरल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी भरनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये पार्टिकुलर अब बैंक अकाउंट, यहाँ पे आधार आपका नंबर डालना होगा। उसके बाद में जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे डिटेल फिल कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है, फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। और जो भी आपका डायरी पे नाम हो बैंक में, उस डायरी पे तो आपका यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर आपका जो
एलपीजी कनेक्शन डिटेल रहेगी वो 12-14 केजी की रहेगी, 14 केजी की रहेगी। यहाँ पर आपका यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आधार आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे केवाईसी हो जाएगा तो यहाँ पे आधार ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पे भी आपका आधार ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक आने के बाद में आपका आधार, यहाँ पे जो आधार भी एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, और नीचे आपका एक राशन कार्ड की अपलोड करनी रहेगी, वो भी मैक्सिमम 50 KB की। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे किसके नाम से आप फार्म भर रहे हैं, मम्मी पापा जो भी हो उसके नाम पर यहाँ पे आप क्लिक करके उनकी पूरा एड्रेस भरना है, उनका नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे आई एक्सेप्ट अबो डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन पूरा हमने पढ़ लिया है वो क्लिक करके इस कंसेंट यो आई बक्स इसको टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे सबमिट का बटन, सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में आपको यहाँ पर जो चेक स्टेटस है उस पर क्लिक करके आपका यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नेक्स्ट टाइम उज्ज्वला, तो उज्ज्वला यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका यहाँ रेफरेंस नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ ईयर डालना है, और यहाँ पे कैप्चर डाल के आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो में कि उज्ज्वला योजना में कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।